नमस्कार, न्यूज 19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास बिश्नोई। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या किसने की, ये राज एक राज बना हुआ था। वैसे तो कई लोगों ने फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन असल में इसके पीछे कौन था और क्यों मूसेवाला की हत्या की गई, ये साफ नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। दरअसल दिल्ली की तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई विचाराधीन कैदी है और उनसे दिल्ली की स्पेशल सेल ने पूछताछ की है। रोहिणी स्थित स्पेशल सेल के कार्यालय में लॉरेंस बिश्नोई से कड़ी पूछताछ की गई, जिसमें पहले तो उन्होंने मूसेवाला के कत्ल से खुद को बिल्कुल अलग कर दिया, लेकिन जब सख्ताई से उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरी की पूरी कहानी बयां कर दी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि इसकी हत्या की प्लानिंग 3 महीने पहले ही बन गई थी और हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ को दी गई थी। 3 महीने से वो इस ताक में थे कि कब सिद्धू मूसेवाला अकेला हो या फिर कब उन्हें मौका मिले जिससे उसकी हत्या की जा सके। लेकिन 29 मई को उन्हें मौका मिला और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या का कारण लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि उनके एक साथी जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जब वो लोग पढ़ते थे और वो लोग जब छात्र राजनीति करते थे तब से उनका एक साथी था विक्की मुड्डू खेड़ा, उसकी पिछले साल 7 अगस्त को हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में जो मैनेजर है सिद्धू मूसेवाला का सगुनप्रीत सिंह, उसका नाम सामने आया था और सामने ये भी आया था कि जिन लोगों ने विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या की है उन लोगों को प्रवास करवाया है, यानी कि वो सिद्धू मूसेवाला के घर ठहरे थे या उनके किसी निवास स्थान पर ठहरे थे, जिसके बाद से ही जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उनकी नज़रें सिद्धू मूसेवाला के ऊपर थी और वो एक रंजिश का रूप इसने ले लिया। क्योंकि अक्सर सिद्धू मूसेवाला दविंदर बम्बीहा, एक अलग गैंगस्टर है, उसका नाम अपने गानों में लेते थे और इससे चिढ़ थी गोल्डी बराड़ को, इससे चिढ़ थी लॉरेंस बिश्नोई को और इन्होंने तभी से ठान लिया था कि ये जो गैंगस्टर अलग अलग बने हुए हैं उसके हिसाब से ये गैंगस्टर गैंग का हिस्सा है सिद्धू मूसेवाला और इसकी मौत हत्या इसकी करनी है, जिसके बाद ये पूरी प्लानिंग की गई और 3 महीने लग गए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वारदात को अंजाम देने में। पहले तो लॉरेंस ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा कि जो फेसबुक पर जो लिखा गया है, जो फर्जी अकाउंट बनाए गए हैं वो उन्होंने नहीं लिखा है, लोगों ने वैसे ही फर्जी अकाउंट बनाकर वो पोस्ट कर दी गई है। लेकिन जब सख्ताई से पूछताछ की तो उन्होंने ये बातें कबूल ली। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक कि क्या सिद्धू मूसेवाला के वास्तव में गैंगस्टरों से संबंध थे या फिर फिरौती के चक्कर में उनकी हत्या कर दी गई है, जिसमें शायद पहला जो सवाल है वो सही है, क्योंकि बार बार ये चीज़ें सामने आ रही है कि बहुत सी गैंगस्टर हैं उनके साथ सिद्धू मूसेवाला के संबंध थे और अक्सर ऐसा देखा गया है पंजाब इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड हो, इन लोगों के कलाकारों के जो मशहूर कलाकार होते हैं इनके गैंगस्टरों से लिंक पाए जाते हैं। अब इसमें ये स्पष्ट हो गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर गोल्डी बराड़ ने
शार्प शूटरों को इसकी जिम्मेदारी दी और शार्प शूटर ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी। अब ये जो हत्या करवाते हैं उसमें खुद की गैंग के सदस्यों को शामिल नहीं करते हैं, इसकी जिम्मेदारी नहीं देते हैं, बल्कि जो सहयोगी गैंग है उनके शार्प शूटर को लगाया जाता है ताकि पुलिस को उन तक पहुँचने में ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो अब ये साफ हो गया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के कहने पर ही की गई है। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम है जिसको जब अब स्पेशल कोर्ट स्पेशल सेल के कार्यालय में ऑफिस में ले जाया गया तो 24 घंटे उसकी सुरक्षा में 80 पुलिस वाले और कमांडो तैनात हैं जो 24 घंटे उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने यह आशंका जताई है कि अगर उसे पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस की कस्टडी में दिया जाता है तो वहाँ पर पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, क्योंकि पंजाब पुलिस के रडार पर लॉरेंस बिश्नोई पिछले काफ़ी वक्त से है। अब ये चीज़ें सामने आने के बाद स्पष्ट हो गया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की तरफ से ही की गई है। लेकिन एक सवाल और उठता है कि क्या वाकई गैंगस्टरों के इशारे पर है पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर कोई और बात है। तो इसमें भी ये खबरें निकल कर आ रही है कि गैंगस्टर अपना पैसा लगाते हैं, गैंगस्टर मोटा पैसा लगाते हैं उन कलाकारों पर जो उभरते हुए कलाकार हैं, जो जिनकी नई एंट्री होती है पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में, उन पर वो पैसा लगाते हैं, उनको सहयोग करते हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको अपने गिरोह में अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। और शायद यही वजह है कि बार बार कहा जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला के संबंध कई गैंगस्टरों के साथ थे, ये बातें निकल कर आ रही है। इसमें सच्चाई कितनी है ये तो शायद पुलिस जांच में ही सामने आएगा, लेकिन ये तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि गोल्डी ब्राड कौन है, लॉरेंस बिश्नोई कौन है या फिर ये दविंदर बम्बीहा कौन है, विक्की मिड्डू खेड़ा कौन है, ये चीज़ें साफ हो गई है कि अपने ही एक साथी की हत्या का बदला लेने के लिए सिद्धू मूसेवाला टारगेट पे थे। 3 महीने से उनका पीछा किया जा रहा था और 29 मई को उनकी हत्या कर दी गई। अब इसमें उत्तर भारत में अब गैंग वॉर बढ़ने की आशंका है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, दिल्ली हो या गुरुग्राम जैसे बड़े शहर हो, तो पुलिस को आशंका है कि इस सिद्धू मूसेवाला की हत्या होने की वजह से अब गैंग वॉर बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के और आसपास के इलाके के बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना ने ये धमकी दी है कि 2 दिन के भीतर भीतर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला वो लोग ले लेंगे। अब ऐसे में पुलिस को डर है कि कहीं ये हत्या का खेल शुरू ना हो जाए और गैंग वार उत्तर भारत में बढ़ ना जाए। ऐसे में पुलिस भी उन लोगों की सुरक्षा ज़्यादा बढ़ा रही है जिनको गैंगस्टरों से डर है या जिनका सिद्धू मूसेवाला की हत्या में नाम आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो जाती है, सुरक्षा उनकी एक दिन पहले हटाई गई थी, तो सोचिए कि कितनी ज़्यादा तकड़ी रेकी उनकी की गई थी। और उस जब वो बिल्कुल अकेले निकले बिना अपने गार्ड्स के कमांडो के निकले, उसी दिन उनकी हत्या हो जाती है। अब इसमें कई लोगों का नाम सामने आ रहा है और पुलिस को डर है कि नीरज बवाना समेत कई गैंग्स की तरफ से धमकी दी गई है कि भाई की मौत का बदला लेंगे तो पंजाब में ये खूनी खेल शुरू ना हो जाए और कुछ और हत्याएं पंजाब में ना हो जाएं। इसके लिए जो इस वारदात के मुख्य आरोपी हैं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड, इनसे गोल्डी ब्राड अभी हाथ में नहीं आया लेकिन लॉरेंस बिश्नोई से सख्ती से पूछताछ की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में किसी और तरह इस तरह की कोई और वारदात ना हो। तो ताज़ा अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 19। इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।